नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। प्रेस वार्ता महापरिषद के उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ना वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश ना पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा ना सांसद ने पोताना बात ने विचारों ने स्पष्ट रीते रजू करीने सामान्य लोकोनी बात ने बुलंदी की उजागर करना आदरणीय दिग्विजय सिंह जी विधानसभा कांग्रेस पक्ष ना नेता मान्य परेश भाई पूर्व प्रदेश प्रमुख श्री आदरणीय सिद्धार्थ भाई हमारा प्रदेश ना प्रवक्ता श्रीओ आप सौ पत्रकार मित्रों आप प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत। देश में जी रीते विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार ने कारण सरकार की नीतियों ने कारण सामान्य धंधा व्यापार साथ जोड़ायेला करोड़ों लोगों ने आर्थिक नुकसान थई रह्युं छे। आ देशना सामान्य व्यापारीओना भोगे जे कंपनी राज ने समर्थन मळी रह्युं छे ए सरकारनी नीतिओ એમાં વાપક પ્રમાણમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચાર એની વિસ્તૃત વાત કરવા માટે આદરણીય દિગ્વિજયસિંહજી આપણી વચ્ચે જયારે ઉપસ્થિત છે ત્યારે આપણા સૌના વતી એનું સ્વાગત કરું છું ને ખાસ એમને વિનંતી કરું કે આપ સૌના માધ્યમથી આ હકીકતો આ વાસ્તવિકતા આપ સૌના માધ્યમથી ઉજાગર કરે। धन्यवाद अमित भाई, माननीय परेश भाई, माननीय सिद्धार्थ भाई, सभी हमारे वरिष्ठ गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकारीगण और उपस्थित हमारे सभी मीडिया साथियों, आज पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था है उससे कम से कम गुजरात के लोग तो अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि गुजरात का इतिहास व्यवसाय का है, व्यापार का है और हजारों वर्षों से गुजरात के बंदरगाह जो है वो ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए ये जाने जाते हैं और यहां के लोगों में नेचुरल एंटरप्रेन्योरशिप है, नेचुरल व्यवसाय करने की उनमें क्षमता है, प्रवृत्ति है और ये भी आप देखेंगे कि आजादी से लेकर आज तक छोटे मध्यम व्यापारी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहे। जनसंघ से लेकर पिछले दशक तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को इनका समर्थन रहा और निरंतर इनको समर्थन चला है। स्वदेशी जागरण मंच आप जानते हैं बहुत ही सक्रिय रूप से काम करती थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर। आज स्वदेशी जागरण मंच जो है स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माउथपीस है, जो आरएसएस का माउथपीस है उसने एमेजॉन की तुलना आज के ईस्ट इंडिया कंपनी से की, क्योंकि मोदी जी का नजरिया छोटे मध्यम वर्गीय व्यवसायी
से हटकर बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स पर चला गया है और मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रति उनका नरम रुख नजर आता है। यदि आप देखेंगे कि ई कॉमर्स की पॉलिसी के मामले में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के पहले क्या रुख था और उसके बाद क्या रुख हुआ, जब यूपीए सरकार ने मल्टी ब्रांड होलसेल ई कॉमर्स के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया तो सबसे ज्यादा मुखर विरोध मोदी जी ने किया, भाजपा ने किया और कहा कि हमारा छोटा वर्ग जो रिटेलर है वो मर जाए, लेकिन ये वो भूल गए थे कि हमारी जो नीति थी वो रिटेलर ई कॉमर्स रिटेल सेक्टर नहीं थी, ई कॉमर्स से होलसेल सेक्टर, यहां तक कि जुलाई 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद भी उन्होंने यही कहा कि हम यूपीए सरकार की बनाई हुई ई कॉमर्स की पॉलिसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 2016 कई मायने में एक पॉलिसी शिफ्ट के रूप में देखा जाता है। जुलाई 2014 में उन्होंने रिटेल में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, 100% एफडीआई रिटेल। इसका मतलब यह है कि जो नेबरहुड शॉप्स है, रिटेलर्स है, उन पर सीधा सीधा ये आघात था। और यदि आप देखेंगे तब से लेकर आज तक सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है कि छोटा और मध्यम रिटेल व्यापारी को हुआ है। आज हर चीज जो है ऑनलाइन रिटेल के माध्यम से लोग मंगा रहे हैं। उसी समय नोटबंदी भी आई। नोटबंदी के समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए और फेक करेंसी समाप्त करने के लिए हम नोटबंदी ला रहे हैं और कैश ट्रांजैक्शन से हटकर हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि सितंबर 2016 में तब आरबीआई के जो फिगर्स थे 17.8 लाख करोड़ करेंसी मार्केट में, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा होता तब से लेकर आज तक तो कैश लिक्विडिटी मार्केट में कम होना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए था, काला धन समाप्त होना चाहिए था, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए था, फेक करेंसी खत्म होने वाली होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई के फिगर्स आज ये है कि 2016 में 17.8 लाख करोड़ की जो करेंसी मार्केट में थी वह बढ़कर 27 लाख करोड़ हो गई है। आज तक ये साफ नहीं किया जा रहा है कि ये 9 लाख करोड़ करेंसी अवेलेबल हमारे मार्केट में कैसे आ गई। आज जबकि लिक्विडिटी क्रंच है, बैंक्स को आखिर गया था, महंगाई बढ़ती जा रही है, छोटा मध्यम व्यापारी परेशान हो रहा है,
उसके बाद जीएसटी आई, जीएसटी का उतना ही विरोध नरेंद्र मोदी जी करते थे जितना विरोध वो एफडीआई करते थे, लेकिन उसी के बाद जीएसटी को उन्होंने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और इसको दूसरी आजादी के रूप में उसी तरह से रात को 12 बजे उन्होंने सेंट्रल हॉल में जीएसटी की घोषणा की। जीएसटी के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रयास करती रही, लेकिन उसका जिस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स सिंगल स्लैब या मैक्सिमम टू स्लैब, लेकिन इनके जीएसटी में 5 से 6 स्लैब है, सेस अलग लगा हुआ है और साथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एल्कोहल को इससे अलग रखा गया और उसकी वजह से जीएसटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फाइलिंग में भी पूरे देश में छोटे कस्बों में शहरों में जहां नेटवर्क अच्छा नहीं है वहां कितनी कठिनाई छोटे मध्यम व्यापारियों को भी आप सब उससे परिचित होंगे। उसी के बाद आज हम लोग कोविड से भुगत रहे हैं, उस कोविड के अंतर्गत भी हमारे व्यवसाय को लॉकडाउन में नुकसान हुआ। ये भी एक अजीब बात है कि 130 करोड़ जनता के देश में मोदी जी ने 4 घंटे दिए लॉकडाउन की वार्निंग के साथ और आपने देखा किस तरह से लोग अपने अपने क्षेत्रों में फंस गए। माइग्रेंट लेबर का जो हालात हुए आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, एमएसएमई नोटबंदी से लेकर और कोविड आने के बीच में जो ट्रेड हमारी गुजरात फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है उसका खुद का एक असेसमेंट है, 4 लाख छोटे और मध्यम उद्योग समाप्त हो गए जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते थे एम्प्लॉयमेंट के रूप में और जीडीपी के रूप में। कोविड के बाद तो और उनकी हालत खराब हो गई, लॉकडाउन के अंदर सारा व्यापार ठप, फैक्ट्रीज बंद, वो और भी मुसीबत का सामना उन्हें करना पड़ा। बड़ी बड़ी घोषणाएं मोदी जी ने की, 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज दिया और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में छोटे और मध्यम व्यापारी और छोटे मध्यम उद्योगपतियों के लिए कुछ नहीं मिला। हां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स को उनकी बैलेंस शीट ठीक करने के लिए लोन में उनके बढ़ाने में फायदा हुआ। अब जब उन्होंने एफडीआई 2019 में 100% ई कॉमर्स को अलाउ कर दिया, तो एमेजॉन 2016 में किया, उसके बाद एमेजॉन उसमें आया और एमेजॉन का समझौता फ्यूचर्स ग्रुप के साथ हुआ। एमेजॉन आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है और जेफ बेजोस के मालिक है, जो कि सबसे ज्यादा अमीर उनका नाम आता है। उनका बयानी के फ्यूचर ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, उसी के बाद कोविड आ गया, कोविड ने और घाटा
फ्यूचर ग्रुप को हुआ, तो उन्होंने आउटराइट सेल रिलायंस ग्रुप को कर दिया। अब रिलायंस ग्रुप को सेल करने के बाद विवाद पड़ा, वो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन के अंदर ये केस चला गया, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, कोई कंपनी कर गया। अभी जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी में बात सामने आ रही है कि जैसा कि पेपर रिपोर्ट है कि 8,546 करोड़ रुपए अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी एमेजॉन ने लीगल फीस दी। अब लीगल फीस या तो कोर्ट फीस होती है या एडवोकेट की फीस हो सकती है। अब पूरे एनुअल बजट लॉ जस्टिस मिनिस्ट्री का केवल 1100 करोड़ है और एडवोकेट की फीस भी कोई इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, तो उसमें ये माना जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि इनके और फ्यूचर ग्रुप के मसले को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत दी गई। मोदी जी हमेशा कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से अनेक ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि साफ प्रमाण आ रहे हैं। राफेल के अंदर फ्रांस की सरकार जांच कर रही है, लेकिन जिसने रिश्वत ली है, रिश्वत लेने की क्योंकि संभावना फ्रांस के केंद्र सरकार को है, वहां हम लोग शांत है। इसी प्रकार अमेजॉन में की जांच अमेरिका में शुरू हो गई है। रिश्वत देने और रिश्वत लेना दोनों आरोप है, एक अपराधिक कानूनी अपराध है। तो अमेरिका में जांच हो रही है अमेजॉन की, राफेल की जांच हो रही है फ्रांस में, लेकिन देश में इसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। हमारी मोदी सरकार से मांग है कि इसकी जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में इसकी जांच होनी चाहिए और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को, बड़े अधिकारियों को, राजनेताओं को अमेजॉन से रिश्वत मिली, इसकी जांच होनी चाहिए। ये रिश्वत क्या कोई पॉलिसी चेंजेस के लिए दिए गए थे, क्योंकि पॉलिसी चेंज हुई तभी तो अमेजॉन आ चुका, उसके लिए रास्ता खुला। अगर पॉलिसी चेंज नहीं होता तो अमेजॉन अंदर कैसे आता। साथ में ये भी देखने की आवश्यकता है कि 6 अमेजॉन की सिस्टर कंपनियां हैं, उन्होंने मिलकर 8,546 करोड़ रुपए लीगल फीस दी है, उनका इंटर कॉर्पोरेट रिश्ता क्या है, इसके मामले में भी जांच होने की चाहिए। अमेरिका में लॉबिस्ट होते हैं, हमारे यहां लॉबिस्ट गैर कानूनी, लेकिन लॉबिंग हुई है क्योंकि पॉलिसी चेंज हुआ है, अदालत में मामले गए हैं, वहां अमेजॉन को रिलीफ मिला है, जिस पर खर्चा खुद अमेजॉन ने बताया 8,500 करोड़ हुआ। तो आखिर ये कहां गया, किसके पास आया, किसने लिया, इसकी जांच होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसी बात को आप देखेंगे
कि जो आइडियोलॉजिकल इश्यू है वो यही है। नरेंद्र मोदी जी मूल रूप से इस देश में छोटे मध्यम व्यापारियों को खत्म करके मल्टीनेशनल्स और बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स को सहूलियत देने के लिए कानून बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं। उसका उदाहरण हम लोगों को जो तीन किसानों के विरोध में जो बिल आए हैं, जिसका कि बहुत बड़ा आंदोलन आज 10 महीने चला हुआ, उसमें भी क्या है, एपीएमसी आपके गुजरात में है और एपीएमसी के हर एपीएमसी में एक व्यापारी को लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर बड़े बड़े उद्योगपति एक एक छोटे छोटे एपीएमसी में जाके लाइसेंस लेने जाएंगे तो व्यवहारिक नहीं। सारी नजर मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट्स की लगभग 15 से 20 लाख करोड़ का जो एनुअल टर्नओवर है एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट पर, उसको सहूलियत देने के लिए ये कानून लाए और इस कानून के अंतर्गत वन लाइसेंस वन नेशन की बात कहकर उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट्स को इस एग्रीकल्चर कमोडिटीज मार्केट में प्रवेश दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के को समाप्त करने का भी जो हमारा तीसरा बिल है, मूल रूप से बड़े कॉर्पोरेट्स को इसमें प्रवेश देना। एक तरफ रिटेल ट्रेड में छोटा मध्यम व्यापारी साफ हो गया, उसी तरह से फूड ग्रेन पल्सेस का जो व्यापारी एपीएमसी मंडियों में जो माल खरीदता था उसका भी असर इन कानून को अगर लागू कर दिया गया तो उनका असर समाप्त हो जाएगा। तो ये मानसिकता दिखाती है क्योंकि जनसंघ से लेकर आज तक हमेशा से इसका जो इनकी जो नीति रही है वो पूरे तरीके से पहले छोटे मध्यम व्यापारी पक्ष में था, वो छोटे मध्यम व्यापारी को भी उन्होंने धक्का बता कर अब केवल बड़े बड़े 8-10 कॉर्पोरेट सेक्टर्स और मल्टीनेशनल इंटरनेशनल मल्टीनेशनल के हाथ में सौंप रहे हैं। और आप देखते हैं जब भी मोदी जी विदेश जाते हैं तो मल्टीनेशनल के सीईओ से जरूर मुलाकात करते हैं। अब कितना उसमें इन्वेस्टमेंट आया नहीं आया हम नहीं जानते, इतना मालूम है कि मल्टीनेशनल्स भी परेशान होकर अब यहां से अपने इंस्टीट्यूट फैक्ट्रीज बंद करके बाहर जा रहे हैं। फोर्ड कंपनी ने तय कर लिया है कि हम यहां से अब अपने इंडस्ट्री हटा रहे हैं, जिससे कि लगभग 4 से 5 हजार वर्कर्स हमारे समाप्त हमारी उनकी नौकरी चली जाएगी। और ये अंदाजा है कि छोटा रिटेलर मध्यम रिटेलर छोटा और मध्यम उद्योग नोटबंदी और इनकी पॉलिसीज की वजह से और कोविड की वजह से लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार इस देश में हो गए हैं। ये सारी बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं जो भी मुझसे आपसे पूछेगा। ये अमित भाई ने आपको भी सर्कुलेट कर देंगे, बीजेपी के लीडर जो एफडीआई के खिलाफ थे, नितिन गडकरी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, वेंकैया नायडू जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, स्वयं शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, ये सब आपको सर्कुलेट कर देंगे कि कैसे ये लोग यही लोग आधार कार्ड के खिलाफ भी थे, यही लोग जीएसटी के खिलाफ भी थे, यही लोग महात्मा गांधी नरेगा के खिलाफ भी थे और यही लोग एफडीआई रिटेल के खिलाफ भी थे, लेकिन कुर्सी पाकर ही इन्होंने अपनी सारी नीतियों को बदलकर और लोगों को गुमराह किया और पूरे तरीके से आज एंटी फार्मर, एंटी कंज्यूमर, एंटी स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर
एंड इंडस्ट्री के खिलाफ आज ही कुछ सरकार चली गई है, ये हम आपके सामने बताना चाहते हैं। धन्यवाद। सर भोपाल का एक कार्यक्रम था नर्मदा के पथी में, आप वही ये देखिए, आज मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है टोटली अमेजोन पर है। अच्छा, और उसपे जो आपने सुना है वो आपने सुना है सर, आपने बताया है अमेजोन से जो है मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में नहीं आना चाहिए, तो जनता को जो प्रॉफिट हो रहा है ना, छोटे व्यापारी अगर जा रहे हैं उसके लिए दूसरा भी रास्ता है ना, लेकिन अमेजोन अगर मान लीजिए प्रोवाइड कर रहा है सस्ता माल, तो उसमें क्या आपत्ति आपको है? आपत्ति उनको है जिनका धंधा चौपट हो रहा है, लेकिन जनता को फायदा हो रहा है। आपको गर्व चाहिए जो जनता को फायदा, कैसे थोड़ा बता दीजिए। बात यही है, एक्सेस की बात होती है। आज इस देश में ऑनलाइन की व्यवस्था कितनी है, कितना नेटवर्क है आज इस देश में, जितने लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं सर, मुश्किल से 3-4% लोगों के पास स्मार्टफोन है। सर आपने कांग्रेस भवन में राजस्थान में अपने प्रेस वार्ता की थी, आपने कहा था कि गुजरात में 3,000 किलो हीरोइन जब्त की है, उस पर एनआईए में भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि एनआईए जब से मोदी की सरकार आई है, उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में जो केसेस चले हुए थे उस पर जिस तरह से अक्यूज को बरी किया, मतलब एक्विटल मिला है, जहां प्रोसिक्यूशन ही डिफेंडेंट्स के लिए फैली करने लगा हो, तो कैसे हम भरोसा करें? सर आपने गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस की वहां पे खुल के तारीफ कर दी थी, मैंने आपसे कहा ना, आपने जो मैंने कहा है वो आपने सुना है। अगर अमित शाह की नर्मदा परिक्रमा करेंगे तो मैं भी व्यवस्था मध्यप्रदेश में करूंगा। Why should we ask Amazon? We are asking for it. Why is he not taking it here? Thank you.